नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इंजीनियर के लिए ये जॉब है। NBCC इंडिया लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए कई पदों पर वैकेंसी निकाली है, तो बस सोचिए नहीं और अप्लाई कीजिए, क्योंकि शायद यही वो मौका हो जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार हो। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट जो कि है www.nbccindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको सब बताएंगे, पदों का विवरण से लेके सैलरी और कैसे करना है अप्लाई। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए और फॉर्म भरने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इससे संबंधित सभी जानकारी इकट्ठा कर लें, उसके बाद ही ये फॉर्म भरें। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल पदों की संख्या के बारे में। तो बता दें कि जो NBCC इंडिया लिमिटेड ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें 81 पद भरे जाएंगे, जिसमें 60 पद जूनियर इंजीनियर सिविल के पद हैं और 20 पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद हैं और एक पद डिप्टी जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल के लिए है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तारीख के बारे में। तो बता दें कि आवेदन शुरुआत होने की जो तारीख थी वो है 15 मार्च 2022 और आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो है 14 अप्रैल 2022। अब बात आती है आखिर आयु सीमा क्या है। तो बता दें कि जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए 28 साल और उप प्रबंधक के लिए 46 साल आयु सीमा है। वहीं SC ST अभ्यर्थियों के लिए 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी और OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो JEE सिविल किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से 60% कुल अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का पूर्णकालिक डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही अगर हम JEE इलेक्ट्रिकल की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से 60% कुल अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का पूर्णकालिक डिप्लोमा होना चाहिए। अगर बात हम डिप्टी जनरल मैनेजर की करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से 60% कुल अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 9 सालों का अनुभव भी होना चाहिए। अब बताते हैं कितना देना होगा आवेदन शुल्क। तो इन पदों पर आवेदन के लिए जनरल OBC और EWS उम्मीदवारों को ₹500 की आवेदन फीस भरनी होगी। वहीं अगर हम SC ST और दिव्यांग के लिए बात करें तो उनके लिए ये फॉर्म निशुल्क है। अब बात आती है सैलरी की कि आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। तो बता दें कि जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए ₹27,270 हैं। वहीं उप महाप्रबंधक जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 70,000 से 2,00,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट जो कि है www.nbccindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.nbccindia.in इस पर जाएं। इसके बाद होम पेज आएगा, होम पेज पर ह्यूमन रिसोर्स टैब के लिंक पर क्लिक करें। अब इसके बाद करियर ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद रजिस्टर करें और सभी आवश्यक जो विवरण है उसको भरें। अब आमंत्रण पत्र भरें और इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें। अब आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो बस अब सोचिए नहीं, अप्लाई कीजिए और इस आए हुए मौके का वक्त रहते लाभ भी उठाइए। हम रोज सुबह 7 बजे लाते हैं रोजगार से जुड़ी खबर, नौकरी से संबंधित जानकारी और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।